हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट में। इस यूट्यूब चैनल में आपको एक दिन पहले ही बता दिया जाता है कि कौन सा स्टॉक का प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होने वाला है, जिससे आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। अगर लॉस है तो एग्जिट भी कर सकते हो। तो आज मैं दोस्तों एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ जिसका प्राइस इंक्रीज होने वाला है, और इंक्रीज ही नहीं दोस्तों, वो आपको अच्छा से अच्छा रिटर्न निकाल के भी देगा, वो भी शॉर्ट टर्म के अंदर। ठीक है, तो अगर आपने नहीं खरीदा तो आप खरीद सकते हो ऐसे स्टॉक को दोस्तों। आपके सामने ये देखिए दोस्तों, BEL, ठीक है, यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, 103 रुपए के आसपास है। छोटा स्टॉक है, आप छोटे छोटे स्टॉक के लिए ज्यादा डिमांड करते हो, तो छोटे स्टॉक के ऊपर एक वीडियो बनाया जा रहा है दोस्तों। जैसे बड़े स्टॉक रहते हैं तो बड़े स्टॉक भी होता है, तो आप ऐसे स्टॉक को बिल्कुल खरीदारी कर सकते हो जिसमें आपको आने वाले दिनों में अच्छा से अच्छा, मतलब बहुत अच्छा रिटर्न आपको मिल पाए। ठीक है, तो ठीक है, ये स्टॉक देख सकते हैं दोस्तों गवर्नमेंट की तरफ से है। और ये स्टॉक को मैं क्यों बोल रहा हूं आपको बाय करने के लिए दोस्तों, ठीक है, अभी देख सकते हैं मार्केट ओपन थोड़ा सा टाइम है, 8:55 हो रहा है, मतलब कि अभी थोड़ा टाइम है दोस्तों। ये गवर्नमेंट की जो है दोस्तों, यहाँ पर देखिए बजट आने वाला है, बजट के हिसाब से इसमें आपको अच्छा से अच्छा तेजी देखने को मिलेगा। ठीक है, और देख लीजिए इसने रिटर्न भी अच्छा दिया है, 1 ईयर के आसपास 15% का। गवर्नमेंट है तो दोस्तों इतना तो डिजर्व करना ही चाहिए। और अगर तेजी की बात कर ले तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये स्टॉक 1 वीक के अंदर देखिए बहुत अच्छा परफॉर्म किए जा रहा है दोस्तों, बहुत अच्छा परफॉर्म किए जा रहा है। पहले ये स्टॉक का देखिए प्राइस बिलो 100 था, आज के डेट में ये 100 के ऊपर भी चला गया है, लेकिन दोस्तों 100 से भी अच्छा पॉइंट ये बनाएगा ऊपर, क्योंकि अभी बजट जो अनाउंस होने वाला है, तो अगर इसके फेवर में होता है तो दोस्तों ये आपको और भी अच्छा से अच्छा रिटर्न निकाल के देगा। और यहाँ पर दोस्तों एक नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर बताया जा रहा है कि प्रमोटर्स का जो होल्डिंग है वो जो है डिक्रीज किया गया है, यहाँ देख सकते हैं अराउंड 3% के आसपास। लेकिन दोस्तों ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव नहीं, ये पॉजिटिव है हमारे लिए। पूछिए कैसे कैसे कि दोस्तों गवर्नमेंट की कंपनी में प्रमोटर्स को ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये हिसाब से अगर थोड़ा बोल सकते कि ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, उनके जगह पर एडवांटेज लेने के लिए म्यूचुअल फंड वालों, और यहाँ पर देख सकते हो फॉरेन इंस्टीट्यूशन, ये जितने भी हैं वहाँ पर वो ले लेते हैं दोस्तों, ये लेके गैदर कर लेते हैं ताकि इनको अच्छा से अच्छा प्रॉफिट मिल पाए। लेकिन फिर भी अगर एक हिसाब से हम देखा जाए ठीक, तो यहाँ देखते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं अदर पब्लिक को, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों अदर पार्टीज को ओनली 7% दिया गया है, जो कि मतलब और भी देना चाहिए था इसके हिसाब से, तो और पब्लिक को जो है प्रॉफिट लेने में अच्छा से अच्छा प्रॉफिट मिल पाता। और यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि ये जो एंट्री पॉइंट है, एंट्री पॉइंट भी अच्छा है दोस्तों, गुड टाइम टू कंसीडर एज स्टॉक इज नॉट इन ओवरबॉट जोन। ठीक है, तो ये स्टॉक अभी अच्छा है खरीदारी करने के लिए, तो अगर आप बाय करना चाहते हो तो आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए बाय करके चल सकते हो दोस्तों। कंपनी का डिविडेंड भी अच्छा है, और रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन डिविडेंड, रिटर्न भी एंट्री पॉइंट है, जो भी है सब कुछ अच्छा बताया जा रहा है यहाँ पर। यहाँ तक कि दोस्तों कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड भी ठीक ठाक है, उसमें दिक्कत की कोई बात ही नहीं है, वो भी धीरे धीरे जो है इंक्रीज हुए जा रहा है। तो अगर आप ये स्टॉक को खरीदना चाहते हो तो मैं बोलूंगा थोड़ा सा स्टडी कीजिए, शॉर्ट टर्म के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं, बजट के आसपास ही आपको अच्छा से अच्छा रिटर्न दिखा सकता है। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके इंक्रीज कीजिए। मैं जल्दी से जल्दी ये वीडियो बना के खत्म करना चाहता हूँ क्योंकि टाइम नहीं है, हमारे पास मार्केट ओपन होने वाला है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके इंक्रीज कीजिएगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो।